हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जी मीडिया को लेकर बात करेंगे, यानी खासकर जी मीडिया के जितने भी न्यूज चैनल्स चल रहे हैं उन सभी को लेकर बात करेंगे। मेरे ख्याल से ये चीज आपने नोटिस करी है, तभी मुझे आपने कमेंट करके इस बारे में बताया है कि जी मीडिया के अधिकतर न्यूज चैनल्स केवल एक ही मेन फीड को दिखा रहे हैं, यानी जो जी न्यूज उनका मेन नेशनल न्यूज चैनल है वही फीड बाकी चैनल्स पर भी चल रही है, चाहे वो आपका जी बिजनेस हो, जी हिंदुस्तान हो या फिर कोई जी का रीजनल न्यूज चैनल हो, तो सभी पर केवल एक ही फीड को प्रसारित किया जा रहा है। यानी उनका जो खुद के कार्यक्रम होते थे अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस के लिए, तो उन्हें प्रसारित क्यों नहीं किया जा रहा, इसके पीछे कारण क्या है, दोस्तों उसी के बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए, बेल आइकन को दबाते ही साथ में ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे, और साथ में इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा देश या फिर कह लीजिए पूरा विश्व कोरोना वायरस की चपेट में है, और इसकी चपेट में अब जी मीडिया के कुछ इंप्लॉयज भी आ चुके हैं। और अब क्या है, जी मीडिया किसी भी तरह से इंडिविजुअल चैनल्स को यानी अलग अलग चैनल्स को मैनेज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जब इंप्लॉयज की कमी हो जाती है ना तो चैनल्स को अलग अलग तरीके से मैनेज करना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। अब इन्होंने क्या किया है, जितने भी इनके इंप्लॉयज हैं उन सभी को केवल एक ही चैनल के लिए काम करने का मौका दिया जा रहा है, और वही फीड को बाकी चैनल्स पर चलाया जा रहा है। जब तक कोरोना वायरस से ये बचकर बाहर नहीं आएंगे, या फिर कह लीजिए इनके जितने भी इंप्लॉयज जी मीडिया के हैं वो ठीक होकर वापस नहीं आएंगे, तब तक इनका कामकाज इसी प्रकार से जारी रहेगा, और आपको भी इसी प्रकार से थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत पड़ेगी। कभी कभी क्या होगा, आपके लिए जी न्यूज की फीड को भी प्रसारित किया जाएगा, और कभी कभी मौका मिलेगा कि आपके लिए मेन फीड को जो चैनल एक्चुअल दिखाता आ रहा है वो आपके लिए प्रसारित करें। कुछ वक्त का इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद अपने आप ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, जिस प्रकार से पहले हमारे लिए चलता आ रहा था। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि आखिर कारण क्या है कि जी मीडिया को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा और उन्हें केवल मेन एक ही फीड को चलाना पड़ा। इसको लेकर भी आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या कोई पर्सनल ओपिनियन है या फिर कोई पर्सनल कोई क्वेश्चन है तो उसको लेकर मुझे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर तीनों पर पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। नमस्कार।